ठाकुर का कुआं। जोकू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे पास के पिया नहीं जाता। कला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से ही लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कोई पानी भरने ना देगा। कोई तीसरा कुआं भी नहीं है। जोहू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, लाद थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूंगा। गंगी ने पानी ना दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं में से दूसरा पानी ले आती हूं। चोकू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहाँ से लाएगी, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी भी भरने देंगे वो तुझे। हाथ पांव तोड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपचाप से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। अरे गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके माड़े मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर कहता था नहीं मिल पाएगी, कोई 50 मांगता था कोई 100, यहाँ बेपैसे कोड़ियों के भाव पे नकल उतारी है। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे, इसलिए कि ये लोग गले में धागा डालते हैं और हम नहीं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेबी ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इसी ठाकुर ने तो उस दिन वो भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12वां मास जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देने में नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं हम ऊंचे हैं। बस कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगे, परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुकुम हुआ कि ताज़ा पानी भर लो, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठ देखकर जैसे मर्दों की जलन होती। हाँ ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। अरे लौंडिया नहीं हो तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं। मत लज जाओ दीदी, इतना काम किसी दूसरे के घर करती तो इससे कहीं आराम से रहती, ऊपर से वो
एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी के मुंह सीधे नहीं होते। दोनों पानी भरकर चली गई। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ के साथ ना गया होगा। गंगी तबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकनी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रुओं के किले में सुराग कर रहा हो। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे ही एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। वो अपने घर पहुंची। पहुंचकर देखती है कि चोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है।